भारतीय सैनिक सिपाही चंदू चाहवार को पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। पाकिस्तानी अधिकारियों ने 21 जनवरी को दोपहर 2:30 बजे उन्हें भारतीय अधिकारियों को सौंप दिया। भारत की सर्जिकल स्ट्राइक के बाद चंदू चाहवार गलती से पाकिस्तानी सीमा में चले गए थे, वहां पर उन्हें बंधक बना लिया गया था। इसके बाद से उन्हें रिहा कराने की कोशिशें की जा रही थी। 23 वर्षीय चंदू बाबूलाल महाराष्ट्र के धुले जिले के वोरबीर गांव के रहने वाले हैं। वो 27वीं राष्ट्रीय राइफल के जवान हैं। पिछले दिनों रक्षा राज्य मंत्री सुभाष भामरे ने कहा था कि 22 साल के भारतीय सैनिक चंदू चाहवार को पाकिस्तान से सुरक्षित वापस लाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं। उन्होंने बताया कि पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव भरे रिश्तों के मद्देनजर पाकिस्तान सरकार का ये कबूलनामा अहम है कि चाहवार उनके कब्जे में है। चाहवार 27 राष्ट्रीय राइफल के जवान हैं। बाबूलाल ने 29 सितंबर को दोपहर के वक्त एलओसी पार कर ली थी। ये वही दिन था जब भारतीय डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल रणबीर सिंह ने सर्जिकल स्ट्राइक के होने की बात कबूली थी। हालांकि सेना ने ये भी साफ कर दिया था कि बाबूलाल का स्ट्राइक से कोई लेना देना नहीं था। आपको बता दें कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर पीओके में घुसकर आतंकियों के लॉन्च पैड तबाह कर दिए। स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज ने सर्जिकल स्ट्राइक को अंजाम देते हुए पीओके में आतंकियों के 7 कैंप तबाह कर दिए। करीब 4 घंटे चले इस ऑपरेशन में 38 आतंकी मारे गए थे। आतंकियों को बचाने के चक्कर में इस स्ट्राइक में 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। NMF न्यूज़ की रिपोर्ट।